मुझे लगता है कि देश की राजनीति की बात होती है और खासकर बिहार की राजनीति की बात होती है तो लालू परिवार को भुलाया नहीं जा सकता है, लालू यादव को भुलाया नहीं जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आपने देखा है कि केंद्र में रेल मंत्री भी रहे हैं और उनके बोलबाला से आप सभी जानते हैं कि बेहतर एक तरह से आप देखिए जनता को किस तरह से लुभाना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है, उनमें वो क्वालिटी थी और इसीलिए आप देखते हैं कि एक लंबे समय तक बिहार की राजनीति पर उनका कंट्रोल रहा है। और उन्हीं के बेटे हैं तेजस्वी यादव, जिन्हें आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, वही लहजा आप लोग कह लीजिए, वही बोलने का तरीका कर लीजिए, उसी तरह की राजनीति करने की बात कर लीजिए। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर बाप की बात बेटे ने किसी के बेटे ने अगर राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक तरह से आप कहिए राजनीति के उत्तराधिकारी अगर साबित हुआ है, तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसमें। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप देखिए बेटे बाप की कमाई हुई राजनीतिक विरासत जो भी होती है बेटा आसानी से हासिल कर लेता है, उसे आगे नहीं बढ़ा पाता है और इसके कई उदाहरण आप लोग देश में देख भी चुके हैं। लेकिन आपने 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार का देखा होगा और आपने देखा है कि एक तरह से आप देखिए अकेला एक तरह से एक तरफ और दूसरी तरफ आपने देखा है किस तरह से बिहार में चुनाव हुआ, आप सभी लोगों ने न्यूज पेपरों में टीवी चैनलों पर सोशल मीडिया पर देखा हुआ था। और एक आपने देखा होगा कि 10 लाख नौकरी का वादा किया हुआ था इन्होंने, उसके आप देखिए विपक्ष में आप देखिए बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर रहा हूं, उन्हें 19 लाख का वादा करना पड़ा। एक आप देखिए कि इस तरह की चाल तो कम से कम चली हुई थी, भली नौकरी मिली या नहीं मिली, नौकरी का कुछ मुद्दा रहा या नहीं रहा, चुनाव खत्म हो गया। लेकिन तो आज हम लोग लालू के लाल यानी कि तेजस्वी यादव के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों का ये मानना कहना भी था कि हमें तेजस्वी यादव के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि राजनीति बिहार की राजनीति में काफी अच्छा इनका स्थान माना जा रहा है और 2020 की विधानसभा चुनाव में इन्हें मुख्यमंत्री के पद का उम्मीदवार भी माना जा रहा था और इनकी पार्टी ने आप देखते हैं कि बेहतर प्रदर्शन भी किया हुआ है और आप देखेंगे कि इनकी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी हुई थी विधानसभा चुनाव में। तो ये स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिएगा कौन है आपके तेजस्वी यादव, कौन है तेजस्वी यादव में। और एक बात और मैं बता देता हूं आप लोगों को, देखिए किसी भी नेता की बात कर लीजिए, कोई दूध का धुला नहीं है। अगर कोई कहता है कि कोई इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उस पर भी आरोपों पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए आज की राजनीति में ये राजनीति का एक तरह से आप कहिए मापदंड हो चुका है। आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिएगा, किसी हर पारिवारिक बैकग्राउंड देख लीजिए, हर नेता का बैकग्राउंड देखिए, उस पर इस तरह के विवाद चलते रहते हैं। और एक तो आप देखिए कि हमारी राजनीति में आप खुद देख लीजिए कि अगर किसी पर मर्डर यानी कि हत्या का आरोप है या हत्या का FIR है या हत्या में उसे सजा मिल चुकी चुकी है, उसका एक तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, तो आप देखते हैं उसे आसानी से टिकट मिल जाता है और आसानी से वो जीत भी हासिल कर लेता है। वहीं आप देखिए अगर एक ईमानदार छवि वाला जो बड़ा सीधा साधा नेता है जिसके पास पैसा नहीं है, अगर वो राजनीति में उतरता है तो आप देखते हैं बहुत बुरी तरह से असफल होता है, फेल हो जाता है। तो ये हमारी राजनीति की कुछ भी कड़वा सच कर लीजिए जो भी कहना हो ये बन चुका है। एक बार पहले आप लोग बिहार को देख लीजिएगा, देखिए ये हमारा प्यारा भारत में, इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपको बिहार देखने को मिलेगा। कहाँ है? ये है बिहार, ठीक है। इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं कि पटना है, क्या है? पटना है। और इसमें आप देखेंगे लगे हुए अगर राज्यों की बात करें तो आप देखें लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है इसकी। कहाँ से? नेपाल से। और आपको बता दूं कि इसे स्टेट का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ आप देखेंगे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है।
विधान परिषद में आप देखेंगे 75 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं, और राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार आपका राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिसने बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को संभाल लिया वो दिल्ली की सत्ता पर पहुंच आधी एक तरह से सफलता पा चुका होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तेजस्वी यादव की बात अगर हम लोग करें तो इनका पूरा नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। क्या है? तेजस्वी प्रसाद यादव है। इनके उपनाम की बात करें तो तरुण यादव के नाम से भी इन्हें जानते हैं। किसके? तरुण के नाम से। ठीक है, इनकी जन्म तिथि की बात करें तो 9 नवंबर 1989 को इनका जन्म हुआ था। कब? 1989 को इनका जन्म होता है। और इनमें आप देखेंगे इनका जन्म स्थान की बात करें तो गोपालगंज बिहार में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता की बात करें तो लालू प्रसाद यादव इनके पिता, जो राजनीति में आप देखते हैं कि वो भी काफी लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं और अभी भी राजनीति में है। और आपको बता दूं बिहार में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव। और इनकी माता की बात करें तो राबड़ी देवी, और आप सभी जानते हैं कि राबड़ी देवी भी राजनीति से ही जुड़ी हुई हैं। राजनीति से छोड़िए आप लोग, बिहार की मुख्यमंत्री भी रही हैं। और इनके भाई की बात करें तो तेज प्रताप यादव इनके भाई हैं बड़े, ये छोटे हैं। ठीक है, और आप सभी को एक बात और बताता हूँ कि तेज प्रताप यादव अपने बयानों के कारण चर्चा में अक्सर बने रहते हैं। ठीक है, और इनकी स्कूल की बात करें तो दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम से इन्होंने शिक्षा ली हुई है। और आप सभी जानते हैं कि विपक्ष इनकी शिक्षा पर काफी सवाल खड़े करते हैं, और इन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है, स्वीकारा है कि ये 10वीं पास नहीं है, 9वीं तक पढ़े हुए हैं। और आप देखिए कि एक तरह से आप सभी जानते हैं कि कभी आपका अगर क्रिकेट के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में आपका मन लग जाता है तो पढ़ाई से आपका हट जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। तो ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं और 9वीं ये पास करते हैं और आप देखेंगे 10वीं नहीं करते हैं, और एक क्रिकेटर के क्षेत्र में अपना एक तरह से आप भविष्य बनाने लगते हैं। तो एक क्रिकेटर भी हैं और भारतीय राजनेता भी हैं। और आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो एक हम लोग सामान्य जानकारी तेजस्वी यादव के क्रिकेट जीवन को देख लेते हैं, क्रिकेट की करियर को, सफर को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यादव यानी कि तेजस्वी ने अपने क्रिकेट के कारण अपनी स्कूल पढ़ाई छोड़ दी थी, और कई इंटरव्यू में इन्होंने ये बात स्वीकारी भी है। वह अपने स्कूल के दिनों में स्कूल क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और महज 13 साल की उम्र में ऑलराउंडर के रूप में दिल्ली की अंडर 15 यानी क्रिकेट टीम के लिए चुने गए थे। और उनके साथियों के अनुसार जब उनकी अंडर 15 टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती तब यादव ने फाइनल में ईशांत शर्मा के साथ मैच जीतने वाली साझेदारी खेली थी, और उस समय विराट कोहली टीम के कप्तान हुआ करते थे और आज दुनिया के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक और वर्तमान में भारतीय कप्तान भी है। कौन? विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। तो उस टीम में भी आप देखेंगे तेजस्वी यादव शामिल थे। फिर आप देखेंगे दिल्ली की अंडर 17 और फिर अंडर 19 क्रिकेट टीम में तेजस्वी का चुनाव हुआ था, और तेजस्वी को विश्व कप विजेता अंडर 19 भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए भी स्टैंड बॉय खिलाड़ियों की सूची में रखा गया था। और तेजस्वी यादव को दिल्ली डेयर डिविल्स द्वारा 2008 में आईपीएल के लिए भी कांटेक्ट की हुआ था, और 2008 से लेकर 2012 तक टीम की रिजर्व बेंच का हिस्सा भी तेजस्वी हो रहे हैं। साल 2009 में उनको राज्य स्तरीय झारखंड क्रिकेट टीम के लिए भी चुना गया था, और उनकी पेशेवर क्रिकेट की शुरुआत मुख्य रूप से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक गेंदबाज के रूप में 4 T20 मैचों के साथ हुई थी। और इसके बाद आप देखेंगे उन्होंने धनबाद में विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ एक टेस्ट मैच में खेला और 7वें नंबर पर बल्लेबाजी की और 5 ओवर में गेंदबाजी की थी, और 2010 में विजय हजारे ट्रॉफी में अपना पहला एक दिवसीय मैच उड़ीसा और फिर त्रिपुरा की टीम के खिलाफ 2 मैच खेले थे। हालांकि उनकी टीम एक ही इसमें जीत पाई थी, और तेजस्वी यादव ने त्रिपुरा के खिलाफ
ये आप देखेंगे विकेट लिए हुए थे दोनों मैचों में, ठीक है, 12 दोनों मैचों की बात कर रहे हैं। और 2013 तक यादव ने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया था, और ऐसा कहा जाता है कि बिहार में खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त सुविधा की कमी के कारण निराश थे, और राज्य में घरेलू क्रिकेट टीम का भी अभाव है बिहार में। आप सभी जानते हैं कि बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है, और ये भी आप सभी लोगों को मानना चाहिए कि जब राजनीति में परिवार है तो अंततः इन्हें आना तो राजनीति में ही था। अब बात आती है इनकी राजनीतिक यात्रा की, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले 2015 में विधानसभा चुनाव भी होते हैं बिहार में, और ये राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के टिकट पर राघवपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, पहली बार ये विधायक बने थे। और आप सभी लोगों को भी मालूम होगा कि विधायक का चुनाव और कौन करता है, जनता करती है, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आप क्या आप अगर आप लोग 18 साल के हो चुके हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि हो चुके होंगे, तो आप लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम भी जुड़वा लिया होगा, और आप लोग विधानसभा और जो आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं इसके लिए आप लोग वोट भी डालने जाते होंगे, जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। और आपके स्थानीय चुनाव होते हैं उसके लिए भी आप लोग वोट डालने जाते हैं, क्या जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं एक तरह से। और आपको विधानसभा में अगर चुनाव लड़ना है विधायकी का, तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। अगर आप लोग 25 साल के हो चुके हैं तो आप लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्य विधानसभा के गठन की बात करें तो आप संविधान के अनुच्छेद 170 को देखते होंगे, इसमें व्यवस्था की गई है, ठीक है, और इसका विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है। किसका? 5 साल का होता है। और आपको बता दूं कि उन्होंने 2015 से 2017 तक बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में भी काम किया हुआ है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद यानी कि लालू की पार्टी का गठबंधन था, और नीतीश आप देखेंगे मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। फिर आप सभी को मालूम है कि 2017 में ये सरकार गिर जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी की पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं। फिर आप सभी को मालूम है कि 2020 में आपके विधानसभा चुनाव कहाँ, बिहार में होते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर वो राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने जाते हैं, और अभी आप देखेंगे विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आप देखेंगे इन्हें डिप्टी सीएम बनने से चूक गए हैं। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा राजनीति में। विवादों की बात करें तो देखिए इन विवादों से भी इनका काफी नाता रहा है। 1 जनवरी 2008 को तेजस्वी यादव उनके भाई तेज प्रताप यादव को दिल्ली में नए साल की पार्टी के दौरान एक लड़की पर अनुचित टिप्पणी करने पर अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर पीटा गया था। और फिर आप देखेंगे 2017 में एक निजी फार्म को IRCTC के 2 होटल के रखरखाव का ठेका अवैध रूप से देने के लिए तेजस्वी यादव और उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ CBI का मामला दर्ज किया गया था, और बाद में दिल्ली की अदालत ने इन तीनों को इस मामले में जमानत भी दे दी गई थी। 5 अक्टूबर 2020 को एक दलित नेता और पूर्व राजद नेता शक्ति मलिक की पत्नी द्वारा दिए गए लिखित बयान के आधार पर हत्या के मामले में तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव और अन्य 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, और इसके कारण राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी, क्योंकि यह मामला वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले ही दर्ज किया गया था। लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा था इसकी CBI जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए और सबके सामने आना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपने देखा कुछ नहीं हुआ था। एक ओपन डेटा डिपोजिटरी वेबसाइट माई नेता के अनुसार आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं अभी तक, ठीक है। और वैसे भी मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि नेताओं का एक तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड या आपराधिक बैकग्राउंड काफी मायने रखता है और विवादों में हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। तो ये है तेजस्वी यादव की कहानी, एक नया लड़का है और नई राजनीति में उभरता हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए अगर कोई बचा हो बिहार से तो बताइएगा,
और बाकी देश दुनिया की जो भी राजनीति है उस पर हम लोग समय समय पर नेताओं के बारे में बात करते रहेंगे। अपने देश के प्रधानमंत्रियों को भी देखा है, राष्ट्रपति को भी देखा है, सभी राष्ट्रपतियों को आज़ादी से अभी तक, और भी जो चर्चा में नेता रहते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करते रहते हैं। अगर आप छूटा हुआ हो तो आप भी बताइए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे।